मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्र, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताऊंगा, डीकरवेंस डिसीज। मित्रों, डीकरवेंस डिसीज होती क्या है? तो यह आपको कई लोग अपने लाइफ में से जरूर अनुभव करते हैं कि यह जो अंगूठे वाली जगह है, अंगूठे के ठीक नीचे, जब वो अंगूठे का मूवमेंट या कलाई का मूवमेंट नीचे करते हैं तो यहाँ अंगूठे के ऊपरी साइड पर, कलाई के जगह पर, बहुत तीक्ष्ण कई बार दर्द होने लगता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हम लोग इनमें पेन किलर देते हैं। पेन किलर देने से भी लोगों के दर्द खत्म हो जाते हैं, और कई बार जरूरत पड़ती है तो हम लोग मिथाइल प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन भी देते हैं। और अगर इन सब चीजों से एक दो बार इंजेक्शन देने के बावजूद भी अगर नहीं आराम मिलता है तो हम लोग सर्जरी करते हैं। मित्रों, तो मित्रों मैं आज आपको सिलसिलेवार बताता हूं डीकरवेंस डिसीज होती क्या है। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे लेंगे तो मेडिकल फील्ड में हमारी जो कलाइयां होती हैं, चूंकि मित्रों मैं आपको बहुत एनाटॉमी के तौर पे नहीं बताना चाहूंगा, हम सभी भी जब मार्केट में धनिया खरीद कर लाते हैं तो आप गौर करिए, धनिया के नीचे उसकी गांठ को बांधा हुआ होता है ताकि वो बिखर ना पाए। इसी प्रकार ईश्वर ने भी, परम पिता ने भी हम सभी को एक डीकरवेंस, माफ करें, जैसे हमारे जितने भी टेंडन हैं, इन टेंडनों को एक जगह पर बांधने के लिए एक एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट मित्रों होता है, उसमें दो टेंडन होते हैं जिनका नाम एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस नाम के दो टेंडन होते हैं, और यही दोनों टेंडन उस गांठ में फंस जाते हैं। तो जब भी हम अंगूठा नीचे ऊपर करते हैं तो हमें बड़ी तीव्र दर्द का एहसास होता है। अच्छा मित्रों, उसके कुछ खास कारण होते हैं, जैसे कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग करने वाले लोग, जो खासकर माउस बहुत उपयोग करते हैं, उनमें होता है, या घरेलू महिलाएं, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा डीकरवेंस की बीमारी जबहुतायत में पाई जाती है, और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान या घर में कोई नन्हा मेहमान भी आता है तो लोग जब उसे गोदी में उठाते हैं तो भी इस टेंडन में सूजन आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये डीकरवेंस डिसीज के कारण होते हैं, और इसके बाद हम लोग या तो इंजेक्शन लगाते हैं। बहना, बिल्कुल मत घबराइएगा, थोड़ा सा पैल्पेट कर लेना होता है मित्रों, कि हम लोग इसमें देख लें कि टेंडन कहाँ सीध तक गई है। तो ये पूरी टेंडन का एक कोर्स है, और बहुत हल्के से बहना, आप इधर ना देखिए, नहीं तो थोड़ी घबराहट होने लगे। जो एक सामान्य नियम है, थोड़ा सा शक्कर लेना है। अब हम लोग बिल्कुल सही टेंडनस सीट में है। जैसा कि मैंने 8 ml लिया है तो 4 ml एक में मित्रों, और 4 ml दूसरे में। अब अगर मित्रों आप देखेंगे तो इस टेंडन सीथ में ज़ाइलोकेन और ये मिक्सचर यहां तक आ गया है, पूरे टेंडन सीथ में फैल चुका है। बस बहन, आप घबराएंगे नहीं, कोई ज्यादा पेन नहीं होगा। बहन, सबसे ज्यादा यहीं पर पेन है ना आपको, इस जगह पे? जैसे मित्रों आप देख रहे हैं, अगर इसमें जैसे ही ड्रग जाती है तो पूरे सीथ में फैलना शुरू हो जाता है।
थोड़ा सा मित्रों मिल्किंग भी कर देना जरूरी होता है। अच्छा, इसमें ये भी बहुत ध्यान रखना है, जैसे जाइलोकेन ने सटीकता में चला जाए तो फिर व्यक्ति विशेष का अंगूठा अगर हम लोग नीचे करेंगे तो एनेस्थेसाइज हो जाता है, इसलिए भी पेन नहीं करना चाहिए अगर ट्रिगर पॉइंट में लग गया है तो। अब बहन एक बात बताइए, ये सुई लगने के बाद अगर अब इस अंगूठे को नीचे कर रहा हूँ तो कोई दर्द है? नहीं, बिल्कुल खत्म, ऐसा लग रहा है जैसे अब देखिए खत्म हो गया पेन। अब इसको करिए, अब कोई दर्द? जो अभी आपको पेन दोनों अंगूठों को थम्स अप ऐसे करने में था, क्या अब है? इसका मतलब सुई बिल्कुल सटीक जगह लग गई, ईश्वर करे आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। एक दो इंजेक्शन के बाद अगर मरीज सही हो जाता तो बहुत सही, अदरवाइज मित्रों हम लोग इसमें सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी बेहद आसान होती है, एक सामान्य 4600 की प्रक्रिया होती है। हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान इसमें आपको ऑर्थोस्कोपिक भी करते हैं, बट मित्रों उसके दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 50-60 हजार। और एक सामान्य सी चीज होती है, सामान्य 4600 रुपए में इस तरीके की सर्जरी जो होती है 3-4 टांके में, और फिर आपको लाइफ में कभी इस तरीके का पेन नहीं होता है। तो मित्रों मैं आपको ये एक वीडियो बताता हूँ, सबसे पहले मैं सुई लगाने की भी टेक्निक आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सर्जरी वाली भी चीज बताता हूँ कि इसके बाद कौन से दो टेंडन फंसे होते हैं। ये वीडियो बड़ा शानदार सा बन के आया, दोनों टेंडन बड़े सही नजर आते हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस आपका लॉन्गस भी और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस भी आपको बहुत सुंदर इसमें दिखेंगे। और जब हम लोग रिलीज कर देते हैं तो इस अंगूठे का यह फ्री मूवमेंट होने लगता है। तो मित्रों आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। मेरे सभी सम्मानित मित्रों को इस वीडियो को देखने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नमस्ते।